नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लाइक भी दे रहे होंगे। प्यारी सी कविता मेरे हाथ लगी, मैंने सोचा कि इसको क्यों ना पढ़ा जाए, गुनगुनाया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसको लिखने वाला जो भी है मैं उनको सलाम करता हूं कि आज के दौर में, आज का माहौल को देखते हुए उन्होंने जो कलम का इस्तेमाल किया है और जो चीजों को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोहा है, बहुत ही लाजवाब। तो मैं वो कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें हैं जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ना कोई इलाज, ना कोई टीका, ना उसकी कोई दवाई। ना कोई इलाज, ना कोई टीका, ना उसकी कोई दवाई। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई। काम कर रहे हैं घर का मालिक और मालकिन, मुफ्त में पगार ले रही है काम वाली बाई। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई। रुक गए हैं सारे सैर सपाटे, बंद हो गई है सब विदेश यात्राएं। अब तो चारों धाम रह गई है घर की लुगाई। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई। बंद हो गए सारे होटल और मैखाने, मैखाने का मतलब आप समझते हैं। मेरे काबिल दोस्त मुझे रोज ललचाई हुई फोटोग्राफ भेज रहे हैं दोस्तों। बंद हो गए हैं सारे होटल और मैखाने, ना खाई चाट और ना कहीं मिठाई। घर की दाल रोटी में खुश रहो, यही है अब सबकी रसमलाई। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई। हाथों को धोए बार बार, मुंह पर लगाए मास्क, घर मोहल्ला शहर रखे साफ, इसमें सबकी है भलाई। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई। घर में रहे सुरक्षित और ऊपर वाले से करें ये प्रार्थना, क्योंकि जब जब मुसीबत आई है उसी ने रहमत बरसाई है। ए इश्क, तेरे टक्कर की बीमारी पहली बार आई है। नमस्कार।